18 मार्च से भागा भागा फिर रहा अमृतपाल आज सरेंडर कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक अमृतपाल आज अमृतसर में सरेंडर कर सकता है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। अमृतसर के श्री अकाल तख्त साहिब में सरेंडर कर सकता है अमृतपाल। हालांकि पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने के लिए सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन चला रखा है और जानकारी ये है कि आज ही वो सरेंडर कर सकता है, लेकिन उसने अपनी 3 शर्तें भी रखी हैं। ये और बड़ी खबर है। सूत्र बता रहे हैं कि अमृतपाल ने 3 शर्तें रखी हैं कि उसे पंजाब जेल में रखा जाए, सरेंडर दिखाया जाए यानी गिरफ्तारी ना दिखाया जाए, और फिर कस्टडी में उसे पीटा ना जाए। तो ये 3 शर्तें रखी हैं अमृतपाल ने, लेकिन आज की बड़ी खबर यही है कि भगोड़ा अमृतपाल अब सरेंडर कर सकता है। तो उससे भी बड़ी खबर है, एक और आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से यह खबर है। सूत्रों के मुताबिक अमृतपाल ने सरेंडर के लिए 3 शर्तें रखी और ये 3 शर्तें हैं, उसे अरेस्ट नहीं सरेंडर दिखाया जाए, दूसरी शर्त है उसे पुलिस कस्टडी में पीटा ना जाए, और तीसरी शर्त है उसे पंजाब की जेल में रखा जाए। ये 3 शर्तें अमृतपाल की तरफ से रखी गई हैं। भगोड़े की 3 शर्तें, पंजाब की जेल में रखा जाए, पहली शर्त इसकी तरफ से रखी गई। तो फिलहाल ये बड़ी जानकारी है, इसी को लेकर तमाम जो एजेंसियां हैं वो अपने सर्च ऑपरेशन को आगे बढ़ा रही हैं, क्योंकि जो उसका आखिरी सीसीटीवी सामने आया था दिल्ली के आईएसबीटी के पास का, उसके बाद से फिर कर जो इनोवा गाड़ी मिली है और उसमें 2 लोगों के भागते हुए और फिर उस गाड़ी को छोड़कर फरार हुए, और इससे ये पूरा अंदेशा है कि अमृतपाल अब जल्द गिरफ्तार होगा। मंडैया, जहां पर जो है ये आप देखें, ये मैसिव जो है सर्च चल रही है यहाँ पर, या आप देखें कि पुलिस के जो कर्मी हैं वो सबको पूछताछ कर रहे हैं, इस गांव में जाने दे रहे जो है दे नहीं रहे। और यहाँ पर कल जो है एग्जैक्टली इसी जगह से जो है वो गाड़ियाँ निकली, और ये देखिए कि यहाँ जहाँ यहाँ पुलिस की पूरी एकदम कार्रवाई चल रही है, यहाँ से आगे किसी को नहीं जाने दिया जा रहा है। यहाँ से करीब करीब 2 किलोमीटर दूर जो है वो गुरुद्वारा साहिब है, टी पॉइंट से राइट होकर फिर गुरुद्वारा साहिब है, उसके साथ ही खेत है, जहाँ से कहा जा रहा है कि वो 2 लोग जो हैं वो यहाँ से भाग निकले। तो मैं एक चीज़ बड़ी क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ जो है वो अमृतपाल और पपलप्रीत जो है, ऐसा कहा जा रहा है कि वो लोग गाड़ी थी, एक इनोवा गाड़ी थी, और उसके पीछे जो है वो जो फॉर्चूनर गाड़ी थी वो उसके पीछे थी, बिल्कुल आधा मिनट की दूरी पर वो थे, और जैसे ही वो गाड़ी इस तरफ मुड़ी तो उसका पीछा किया गया और वो एक डेरे की तरफ चली गई, जो कि एक कॉमन डेरा है, गुरुद्वारा भी है वहाँ पर और एक कॉमन डेरा है, और भी जो है गांव के लोग वहाँ इकट्ठे होते हैं, वो एक कॉमन डेरा है। वहाँ पर जाके गाड़ी जो है बहुत तेज़ी से जो है, वहाँ रेत थी, वहाँ पर जाके हमने वो पूरा स्पॉट भी दिखाया, और उसके साथ ही गन्ने के खेत थे। एक आदमी दीवार फांद के निकल गया और एक पीछे से निकला जहाँ गेट था, और वहाँ पर जो है वो वहाँ से फरार हुआ। उसके बाद जो है मैसिव सर्च जो है वो पूरा उसके हंट के लिए चल रहा है। Z News.